हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइटोनेड्यूकेशन। आपका स्वागत है। तो कल अपन ने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर के बारे में। तो उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी थी अपन ने, साइंटिस्ट के नाम वगैरह देखे थे, और उसके बाद में अपन ने टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखा था। तो अपन ने दो टाइप के टिश्यू देखे थे कि एक मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है और एक क्या होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू की सेल जो होती है वो इमैच्योर और अनडिफरेंशिएटेड होती है, और परमानेंट की सेल मैच्योर और डिफरेंशिएट होती है। मैच्योर एंड डिफरेंशिएटेड, और मेरिस्टमेटिक अनडिफरेंशिएटेड इमैच्योर। फिर अपन ने मेरिस्टमेटिक टिश्यू के टाइप देखे थे, क्लासिफिकेशन जनरल इंट्रोडक्शन दी थी आपको मैंने कि हम मेरिस्टमेटिक टिश्यू के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन डिटेल में पढ़ते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू कि विभाजोतकीय उत्तक या मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो होता है वो होता क्या है। तो थ्योरी मैंने नोट कर रखी है, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, ये आप इसको वीडियो को रोककर आप थ्योरी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या है, तो फॉर्मेटिव टिश्यू का मतलब ये कुछ ना कुछ बनाएगा, कुछ नई चीजें प्रोड्यूस करेगा प्लांट के अंदर, क्योंकि हम प्लांट की बात कर रहे हैं। तो बच्चों प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट में कुछ बनाएगा मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो है वो, क्या क्या चीज बनाएगा, कैसे बनाएगा, और मेरिस्टमेटिक टिश्यू की सेल्स जो होती हैं उनके फीचर क्या होते हैं, वो किस तरह की होती हैं। टिश्यू अपन देख चुके हैं कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। तो वो ग्रुप ऑफ सेल, उस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट सेल जो होती हैं वो कैसी होती हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि मेरिस्टमेटिक सेल जो होती हैं अनडिफरेंशिएटेड होती हैं और इमैच्योर होती हैं। अनडिफरेंशिएटेड एंड इमैच्योर मतलब अपरिपक्व, प्रेजेंट इन स्पेशलाइज्ड रेस्ट्रिक्टेड रीजंस। प्रेजेंट इन स्पेशलाइज्ड रेस्ट्रिक्टेड रीजन मतलब ऐसा नहीं है कि प्लांट के अंदर हर जगह ही मेरिस्टमेटिक सेल्स होंगी, स्पेशल रीजन्स होते हैं जहां मेरिस्टमेटिक सेल्स पाई जाती हैं, और वही रीजन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हैव एबिलिटी ऑफ डिवीजन, मैंने आपको कहा था कि मेरिस्टमेटिक सेल्स जो होती हैं वो हाईली डिविजनेबल सेल्स होती हैं, इनके अंदर विभाजन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। परमानेंट सेल्स जो होती हैं, परमानेंट टिश्यू की सेल होती हैं, उनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। तो हैव एबिलिटी ऑफ डिवीजन। फिर सेल दिखती कैसी है, आइसोडायमेट्रिक या समव्यासी प्रकार की होती हैं, पॉलीगोनल भी होती हैं, ठीक है ना, आइसोडायमेट्रिक और पॉलीगोनल टाइप की। पॉलीगोनल को हिंदी में कहते हैं बहुभुजीय, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। हैव थिन सेलुलोजिक वॉल, तो किस तरह की होगी, थिन पतली भित्ति युक्त, और सेल वॉल जो होगी वो किसकी होगी, होगी सेलुलोज की बनी हुई। हैव थिन सेलुलोजिक वॉल, सेल्स आर विदाउट सेकेंडरी वॉल, इनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो देखने को नहीं मिलती है। फिर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड मतलब एकदम टाइटली आपस में पास पास में बिल्कुल जुड़ी हुई सेल्स होती हैं ये, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता, ध्यान रखना इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो देखने को नहीं मिलता। सारी की सारी सेल जो होती हैं वो टाइटली अरेंज्ड होती हैं आपस में। वैक्यूल जो होती हैं वो भी इनके अंदर जनरली नहीं पाई जाती, और अगर होती है तो वो कैसी होगी, स्मॉल वैक्यूल होगी, अगर होगी तो स्मॉल होगी वरना होगी नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट फीचर डेंस साइटोप्लाज्म, इनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत ही डेंस होता है, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मतलब स्पष्ट सुस्पष्ट न्यूक्लियस होगा, इसके केंद्रक होगा, डेंस साइटोप्लाज्म प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। फिर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव सेल, ये ध्यान रखना, प्लांट के अंदर मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव सेल जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, मेरिस्टमेटिक सेल्स होती हैं। अपन ने देखा है कि हैव एबिलिटी ऑफ डिवीजन, और तीव्र यानी कि लगातार रैपिड डिवीजन करती रहती हैं ताकि ग्रोथ जो है वो कॉन्टिन्यूसली होती रहे, तो मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव सेल। फिर बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया नॉट फुली डेवलप्ड, माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर जो होंगे वो नॉट फुली डेवलप्ड, क्यों, क्योंकि ये सेल जल्दी जल्दी क्या होती रहती हैं, डिवीजन करती रहती हैं, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है इसलिए इनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि उपापचय जो है इनके अंदर बहुत फास्ट हो रहा है। फिर प्लास्टिड जो होते हैं वो प्रोप्लास्टिड स्टेज में होते हैं, यानी डेवलपिंग कंडीशन के अंदर होंगे। स्टोर फूड इनके अंदर बहुत ही कम होता है,
ड्यू टू रैपिड मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि लगातार रैपिड डिवीजन होता रहता है, इसलिए फूड स्टोर करने की इनको जरूरत ही नहीं पड़ती है ज्यादा, तो स्टोर फूड इनमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। दीज सेल आर डिफरेंशिएट टू प्रोड्यूस परमानेंट टिश्यू। ये सेल जो होती हैं वो डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएंगी, परमानेंट टिश्यू, स्थाई उत्तक बनाएंगी। एंड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के आई कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है वो लो होता है, और न्यू फॉर्म सेल उनके अंदर क्या होगा, हाई होगा। सेल डिवीजन के टाइम इसका के आई लो होता है, और जब नई सेल बन जाती हैं उसका के आई जो होगा वो हाई होगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो किसके बारे में है, मेरिस्टमेटिक सेल्स के बारे में है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इसके अंदर पीछे रह गया हो। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू के और फॉर्मेटिव टिश्यू जिसको बोलते हैं हम, उनकी सेल के फीचर जो हैं वो आप ध्यान में रखना। सिंपल सिंपल बातें हैं, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अनडिफरेंशिएटेड है, यानी अभी तक कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं कर रही है, लेकिन स्पेशलाइज्ड रीजन में प्रेजेंट है। स्पेशल फंक्शन नहीं कर रही है, स्पेशल रीजन में प्रेजेंट है। इमेच्योर होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, स्पेशलाइज्ड रीजन में प्रेजेंट है, डिवीजन की एबिलिटी होती है, आइसोडायमेट्रिक और पॉलीगोनल होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, वॉल सेलुलोज की बनी है। सेल जो है सेकेंडरी वॉल इनके अंदर नहीं होती, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटर सेलुलर स्पेस। यहां ध्यान रखना, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। इंट्रा होता है विद इन सेल और इंटर होता है बिटवीन टू सेल, दो सेल्स के बीच की जो स्पेस होती है, ठीक है ना, ऐसे। अब ये जो बीच में स्पेस रह गई, ये जो बीच में स्पेस रह गई है, इसको क्या कहेंगे, इंटर सेलुलर स्पेस कहेंगे, ठीक है। तो ये इंटर सेलुलर स्पेस जो है वो मेरिस्टमेटिक सेल में देखने को नहीं मिलती। वैक्यूल या तो छोटी होंगी, आइदर स्मॉल और एब्सेंट। डेंस साइटोप्लाज्म प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया नॉट फुली डेवलप्ड, प्लास्टिड इन प्रोप्लास्टिड स्टेज, स्टोर फूड बहुत ही कम होगा इनके अंदर क्योंकि रैपिड मेटाबॉलिक रेट है इनके अंदर, और डिफरेंशिएट होगी, अनडिफरेंशिएटेड है तो डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएंगी, परमानेंट टिश्यू बनाएंगी। और सेल डिवीजन के टाइम के आई लो होता है और नई बनी सेल के अंदर के आई हाई होता है। दैट्स इट, ये है मेरिस्टमेटिक सेल्स के फीचर। इसके बाहर आपके नीट में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर क्वेश्चन यहां से आया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है तो। फिर आगे अपन क्लासिफिकेशन में बेसिक आपको बता चुका था, और थोड़ा डिटेल के अंदर देखते हैं अपन। ठीक है, तो डिटेल के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप लेते हैं कि अपन ने मेरिस्टेम के अंदर इसमें पढ़ा क्या था। तो मेरिस्टेम के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले, और बेस्ड ऑन ओरिजिन उत्पत्ति के आधार पर या ओरिजिन के बेसिस पे मेरिस्टेम कितनी तरह का होता है, तीन टाइप का होता है। पहला होता है प्रो मेरिस्टेम, सेकेंड होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, और थर्ड होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, तीन टाइप का मेरिस्टेम आपको देखने को मिलता है। तो अब मैं इसका एक सीक्वेंस चार्ट बना देता हूं, ठीक है, कि होते कैसे कैसे हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें प्रो मेरिस्टेम की, तो बच्चों प्रो मेरिस्टेम कहां होता है बताओ, प्रो मेरिस्टेम कहां होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है प्लांट की, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, प्रो मेरिस्टेम। फिर प्रो मेरिस्टेम आगे डेवलप होकर क्या प्रोड्यूस करता है, प्राइमरी मेरिस्टेम डेवलप इंटू प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम
अब प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो कहां कहां देखने को मिलता है आपको, प्राइमरी मेरिस्टेम कहां कहां देखने को मिलेगा आपको? देखो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो प्राइमरी का पोर्शन होता है, एपिकल मेरिस्टेम, फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, मार्जिनल मेरिस्टेम, मार्जिनल मेरिस्टेम, और इंट्रा फेसिकुलर मेरिस्टेम, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, यहां आपको क्या देखने को मिलेगा? प्राइमरी मेरिस्टेम देखने को मिलेगा। यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन सी है? इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम है, ध्यान रखोगे इसका। इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम किस तरह की होती है? प्राइमरी मेरिस्टेम होती है बच्चों, प्राइमरी मेरिस्टेम, समझ गए? इसके बाद में अपन बात करें प्राइमरी मेरिस्टेम आगे कैसे होगा। हमने देखा प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएट होगा, क्या होगा? डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट या विभेदित होकर ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ध्यान रखना, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू प्रोड्यूस करेगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर ये क्या क्या बनाएगा, कौन कौन से रीजन में प्रेजेंट हो गए ये? तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अगर अपन एग्जांपल देखें तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, फिर जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम, पिथ और पिथ रेज, पिथ एंड पिथ रेज। यहां पर एक चीज ध्यान, पिथ या मेडुला जो होते हैं वो एक ही वर्ड के लिए यूज किया जाता है, पिथ या मेडुला जो होते हैं वो एक ही चीज के लिए यूज किए जाते हैं। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो है वो एपिडर्मिस में, हाइपोडर्मिस में, जनरल कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में, प्राइमरी जाइलम फ्लोएम, पिथ और पिथ रेज, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू देखने को मिलेंगे। तो प्रो मेरिस्टेम एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, जो आगे डेवलप हुआ, डेवलप होके प्राइमरी मेरिस्टेम बनाया, और प्राइमरी मेरिस्टेम ने डिफरेंशिएट होके क्या बनाए? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाए। और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कौन कौन से होते हैं बाहर से देखें तो? एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर जनरल कॉर्टेक्स, फिर पेरिसाइकिल, फिर प्राइमरी जाइलम फ्लोएम या प्राइमरी वेस्कुलर बंडल आप कह सकते हो, और जो बीच में सेंटर के अंदर पिथ हो गया और पिथ रेज हो गई, ये सारी की सारी कौन सी है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। अब बच्चों प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो है वो क्या होगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर फिर से डी डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, डी डिफरेंशिएट या विभेदी, वी विभेदन होगा, यानी कि अगेन बिकम मेरिस्टमेटिक, डी डिफरेंशिएट, डी डिफरेंशिएट। ये वर्ड ध्यान में रखना, डी डिफरेंशिएट। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डी डिफरेंशिएट बिकम, मीन बिकम मेरिस्टमेटिक, बिकम मेरिस्टमेटिक, ये क्या हो जाएगा? विभिजोतकीय हो जाएगा। और बच्चों क्या प्रोड्यूस करेगा ये? ये प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, यानी कि द्वितीयक विभिजोतक। तो बात आई समझ में कि सबसे पहले प्रो मेरिस्टेम है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, ये डेवलप होके इसने क्या प्रोड्यूस किया? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम कहां कहां प्रेजेंट था? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, मार्जिनल मेरिस्टेम, ठीक है, और इंट्रा फेसिकुलर, ध्यान रखना इंट्रा फेसिकुलर, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम है। प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएट हुआ और परमानेंट टिश्यू बनाया। कैसा परमानेंट?
प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाया। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में बोलो क्या क्या चीजें हैं, साथ साथ बोलना। सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस, फिर जनरल कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम, और फिर पिथ और पिथरेज। वेरी गुड। अब इसके बाद में डी डिफरेंशिएट हुआ, यानी फिर से ये प्राइमरी मेरिस्टमेटिक सेल जो टिश्यू की, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो होता है उसकी सेल वापस से मेरिस्टमेटिक हो जाती हैं, और वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम को प्रोड्यूस करती है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो किससे बनता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। तो ये है ओरिजिन के बेसिस पे। फिर आगे सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो कहां कहां प्रेजेंट होता है और ये आगे चलकर क्या प्रोड्यूस करता है, तो आप फिलहाल इसको नोट डाउन करो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं अपन यहां सेकेंडरी मेरिस्टेम से। तो अब बात है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम किससे ओरिजिनेट हुआ था, फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब आगे री डिफरेंशिएट होगा, ये री डिफरेंशिएट होगा, और री डिफरेंशिएट होके आगे क्या करेगा, सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम, पिथ एंड पिथरेज बनाएगा। यानी ये कैसे होंगे, ये होंगे बच्चों सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ये कैसे होंगे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू जो है वो कौन प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहां सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो होता कहां कहां है, कहां कहां होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम, कॉर्क कैम्बियम, वाउंड कैम्बियम और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यहां ध्यान रखना, वहां प्राइमरी जो थी वो इंट्रा थी और इंटर जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ध्यान रखना इंटर सेकेंडरी है, इंट्रा प्राइमरी थी, इंटर सेकेंडरी है। वेरी गुड। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो कॉर्क कैम्बियम, वाउंड कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये यहां कौन से होते हैं, ये किस में पाया जाए, सेकेंडरी मेरिस्टेम किस में पाया जाता है, कॉर्क कैम्बियम, वाउंड कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। री डिफरेंशिएट, ये वर्ड ध्यान में रखना, पहले प्राइमरी जो था वो डी डिफरेंशिएट हुआ, फिर प्राइमरी परमानेंट डी डिफरेंशिएट हुआ, और अब सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है, वो री डिफरेंशिएट हुआ और इसने क्या प्रोड्यूस किए, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू प्रोड्यूस किए, जिसमें सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम और सेकेंडरी पिथरेज जो होती है वो प्रोड्यूस कौन करता है, वो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सॉरी सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो रीडिफरेंशिएट होकर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू होगा, और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कहां कहां प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स में, सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम में, सेकेंडरी पिथरेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू जो है वो देखने को
मिलेंगे। तो ये हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन मेरिस्टेम, उत्पत्ति के आधार पर या ओरिजिन के बेसिस पे मेरिस्टेम जो होता है वो इस तरह से होता है। अगर आपको ये फ्लो चार्ट याद है आपका नीट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं। ठीक है, तो प्रो मेरिस्टेम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जनरल रिवाइज करवा देता हूं, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये आगे डेवलप हो गया, इसने क्या प्रोड्यूस किया, प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम ने डिफरेंशिएट होकर क्या बनाया, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाए। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डी डिफरेंशिएट हुए और क्या बनाए, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाए, और सेकेंडरी मेरिस्टेम ने रीडिफरेंशिएट होके सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाए, जो कि मैं आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो एग्जांपल प्रोसेस और ये फ्लो चार्ट आप खास तौर से ध्यान में रखोगे। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट जो है वो पोजिशन के बेसिस पे है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। तो बच्चों पहला और दूसरा लेक्चर आप ध्यान से देखना, और थ्योरी में जितनी भी है इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो मैं शॉर्ट के अंदर करवा रहा हूं, लेकिन आपके क्वेश्चन को सही करने के लिए सफिशियंट है, गलत नहीं होगा। सो नोट्स अपने साथ साथ बनाते चलें, आपके पास जो भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं, जो भी गाइड अवेलेबल हैं, वो साथ में सॉल्व करें। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको उस चीज का रिप्लाई और एक्सप्लेनेशन दोनों दूंगा। ठीक है, सो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए। Thank you so much.